हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो फिलहाल आपने क्या देखा है अभी रिसेंटली कि इंफोसिस लगभग लगभग आपको एक रेंज में ही घूमता हुआ देखने को मिला है बेसिकली। एंड जिस तरीके से इंफोसिस की आपको मतलब ट्रेडिंग या फिर मैं बोलूँ चीज़ें देखने को मिली हैं, वो डेफिनेटली लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं कर पाई है। ये बात तो हमने सबने देखा है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें आपको खुश होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आने वाले हैं क्वार्टर के रिजल्ट। अभी रिसेंटली TCS के भी नंबर जो है निकल कर आए थे। TCS के नंबर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव श्योरली नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक नंबर देखने को मिले थे। अब उसके बाद इन्फोसिस के जो नंबर आने वाले हैं ये या फिर मैं बोलूँ इस पर जो है सबकी नज़र रहने वाली है कि आखिरकार इन्फोसिस के नंबर किस तरीके के आएंगे और नंबर्स के साथ क्या कोई स्पेशल चीज़ें भी साथ में नजर आएंगी। आज की वीडियो में उसी के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। बोनस का सबको इंतजार रहता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंफोसिस आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1935 रुपये पर बंद होता हुआ नजर आया था। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो लगभग लगभग आपको यहाँ पर 1% के आसपास की तेजी ही देखने को मिली थी। नॉट एग्जैक्टली 1% बट क्लोज टू 1% आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यार एक समय 1% के ऊपर निकला भी था, लेकिन क्लोजिंग होते होते थोड़ा सा सेटल हो गया, नीचे आ गया और ये सिचुएशन जो है आपने देखी इन्फोसिस के पर्टिकुलर काउंटर। लेकिन जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, बीते कुछ दिन इसके लिए किस तरीके के रहे, तो पिछला हफ्ता पूरी तरीके से फ्लैट रहा। महीना अगर हम देखें तो भी आपको नेगेटिव ही रिटर्न दे वो, या फिर मैं बोलूँ फ्लैट रहा। 6 महीने की बात करी जाए अगर तो 6 महीने में रिटर्न रहे 30% के, साल भर में रिटर्न आए 32% के। तो रिटर्न्स तो अगर आप देखोगे तो एक तरीके से म्यूटेड आप बोलो, या फिर जिस तरीके से निफ्टी ने रिटर्न दिए हैं उसी तरीके से इसने रिटर्न दिए। ना ही कोई अंडर परफॉर्मेंस दिखाई निफ्टी के कंपैरिजन में और ना ही कोई यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखाई। तो बेसिकली सिचुएशन इन्फोसिस की बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं रही है, ये आप ज़रूर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही थोड़ा हालचाल मतलब डामाडोल टाइप का आप बोल सकते हैं, मज़ा नहीं आया इन्फोसिस में। और वैसे तो ज़्यादातर IT शेयर्स के हालचाल थोड़े से गड़बड़ी थे, बहुत ज़्यादा अच्छे रहे नहीं, तो यहाँ भी आपको वही सिचुएशन देखने को मिली। लेकिन अब बात यह आ जाती है आगे की सिचुएशन क्या रहेगी, व्हाट नेक्स्ट। आगे सिचुएशन अच्छी रह सकती है या फिर यूं ही चलता रहेगा ये काउंटर, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके चार्ट पर भी आपको दिखाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक रिपोर्ट आपके सामने मैं रखता हूँ। TCS Infosys to Tech Mahindra, is it buying opportunity to buy is it opportunity to buy stocks means IT stock amid US Fed rate cut। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है कि US में Fed rate हुआ और आगे भी होने के चांसेस हैं, तो क्या TCS हो गया या IT के जो दूसरे शेयर्स हो गए, Infosys भी हो गए जिसमें, क्या ये बाइंग के लिए तैयार है, इनमें खरीदारी करनी चाहिए बेसिकली या नहीं। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो US फेड रेट कट की तो बातें यहाँ पर करी जा रही हैं और उसका फायदा श्योरली आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ देखो अंशुल जैन की रिपोर्ट है लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज की तरफ से रिगार्डिंग IT स्टॉक्स टू बाय इन द वेक ऑफ US रेट कट। एक्चुअली अंशुल जैन ऑफ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज सेड इन्वेस्टर आईड एडवाइज टू कीप एन आई on the large cap IT stock like Infosys and Tech Mahindra as well as mid cap such as Persistent System and KPIT Tech। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि US में जो फेडरल कट वगैरह जो हो रहे हैं तो उसका जो फ़ायदा उठाने के लिए बेसिकली आपको ना बड़े शेयर्स पर नज़र रखनी चाहिए। बड़े शेयर्स से मतलब है जैसे कि लार्ज कैप जो शेयर्स हैं उनके ऊपर जो है आपको नज़र मेरे हिसाब से या फिर इस रिपोर्ट के हिसाब से बना कर रखनी चाहिए, ये बात जो है कही जा रही है अंशुल जैन की तरफ से बेसिकली जिसमें नाम भी लिखे गए इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा है बड़े में एंड छोटे में KPIT एंड परसिस्टेंट सिस्टम आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो ये तो फिर भी एक रिपोर्ट निकल कर आई है। लेकिन एक ये रिपोर्ट और देखो, प्रेशर आर्म्स अपॉन इन्फोसिस विप्रो टू बीट हाई एक्सपेक्टेशन अमिड करेक्शन वॉज। तो यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि इन्फोसिस एंड विप्रो स्पेशली इन्फोसिस पर अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशन जो रहेंगी बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन यहाँ पर ये दो शेयर्स जो हैं ये अच्छी खासी एक्सपेक्टेशन के साथ में आपको
मार्केट की सिचुएशन, या फिर मैं बोलूं आईटी के जो बाकी के दिग्गज शेयर हैं और जो शेयर्स हैं उनकी के हिसाब से ये काउंटर जो है आपको हो सकता है मतलब उन्हें बीट करते हुए दिखाई दे। बेसिकली यहाँ पर ये भी कहा गया है कि हो सकता है ये बीट करते हुए आपको देखने को मिले और अच्छा खासे मतलब जो नतीजे हैं रिजल्ट जो हैं आपको इन शेयर से नज़र आ जाए। तो उम्मीदें तो देखो पहले से भी यही रहती है, हमेशा आपने देखा होगा कि उम्मीदें जो हैं इसी तरीके की रहती हैं, स्पेशली चाहे वो इन्फोसिस हो, इन्फोसिस से तो हमेशा रहता है कि एक दो बार TCS ऊपर निकला है, अदरवाइज इन्फोसिस हमेशा TCS से ऊपर ही रहता है। इस बार की भी उम्मीद यही है कि TCS के नंबर्स को इन्फोसिस जो है बीट कर पाएगा एंड अच्छे खासे नंबर जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तो तेजी की भी चांसेस श्योरली आप मान के चलिए इंक्रीज तो होंगे ही होंगे। अब इस पर हमें जो है ध्यान देना है फिलहाल। अब नंबर आने का है नेक्स्ट वीक थर्सडे को नंबर आएंगे। यहाँ पर यही लिखा गया है कि इसके जो पूरी साल की रेवेन्यू गाइडेंस होगी अगले साल के लिए स्पेशली, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। आपको मालूम होगा कि इनकी जो रेवेन्यू गाइडेंस होती है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है, बाकियों की चीज़ों बाकी चीज़ों से भी ज़्यादा। प्रॉफिट वगैरह पर तो जो होता है होता ही है, लेकिन रेवेन्यू गाइडेंस जो होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर दिया जाता है। तो उस पर अब आप देखेंगे कि किस तरीके की चीज़ें आती हैं। अगर रेवेन्यू गाइडेंस अच्छी आई तो फिर आपको और अच्छी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो चलो वो तो हम देखेंगे क्या होता है। अभी देखो बीते एक दो दिन पहले भी यहाँ पर कुछ बाइंग रिकमेंडेशन भी आई है बेसिकली। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के लिए यहाँ पर कहा गया था कि इस काउंटर को थोड़ा सा खरीदारी में रख कर चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस एजन टारगेट की भी जो है बातें बेसिकली करी गई हैं। देख लेते हैं कि क्या स्टॉप लॉस एंड क्या टारगेट हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कहा यह गया है कि पहला टारगेट प्राइस जो है इसका वो देखने को आपको मिल सकता है 1975 रुपये के आसपास का, ठीक है। फिलहाल की प्राइस से थोड़ा सा तो ऊपर है ही, लेकिन दूसरा टारगेट अगर हम देखें 240 एंड 250 रुपये देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे तो वो भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इसके स्टॉप लॉस है उन पर भी ध्यान देना चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको लगभग 1875 रुपये का स्टॉप लॉस भी मेंटेन करने की बात कही गई है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों कम्प्लीटली इन्फोसिस के बारे में। मैंने जितनी भी चीज़ें थी अभी आपको बताया है। हाँ एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये 1950 रुपये के ऊपर निकलने के बाद एक मजबूती इस शेयर में और आपको देखने को मिलेगी, एक अच्छा ब्रेकआउट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।